तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चूरन पर। और ब्रोस आपको बिलीव नहीं होगा ब्रो, बाल बाल बचा भाई, बाल बाल। हमारे घर के सामने अब भी एक खतरनाक लेवल का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को पता नहीं मैं उसको दिखाऊं कि ना दिखाऊं। एक काम करता हूं, फटाफट आपको दिखाता हूं मैं। भाई साहब खतरनाक लेवल का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, एकदम खतरनाक लेवल का। देखो अंडरकवर पुलिस आ रही है यहाँ पर। बेसिकली गाइस ये वाली गाड़ी ठुकी इसके पीछे वाली गाड़ी के अंदर, वो देख रहे हो व्हाइट वाली गाड़ी खड़ी है, वो व्हाइट वाली गाड़ी ठुकी इस वाली गाड़ी के अंदर। भैंस की आंख, ये वाली गाड़ी गाइस एकदम से आगे से पूरी डैमेज हो चुकी है भाई साहब, पीछे से तो एकदम खत्म। तो जैसे ही गाइस व्हाइट वाली गाड़ी वहाँ पर ठुकी, वो रोल होके आगे आके ये काली वाली गाड़ी के अंदर ठुक गई। ये देखो गाइस एकदम से पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका। तो एक अंडरकवर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पुलिस वालों की और एक खड़ी है उस तरफ। और जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, तब मैं उस टाइम लिटरली अपनी गाड़ी सामने पार कर रहा था बिल्कुल वहां पर, और ये एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर। तो मतलब कि अगर मैं 2 सेकंड पहले आता ना, तो मैं भी आज इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकता था। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, रियल लाइफ GTA चल रही है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये रही अपनी शॉप और ये रहा अपना एक कैमरा जिसने लिटरली सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और आते ही गाइस इतना पार्सल भी आ चुका है, बट पार्सल को मारते हैं गोली। अभी मेन बात इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। नॉर्मली यहाँ पर 3-4 एम्बुलेंस से पहुंच जानी थी अभी तक। तो फिलहाल एकदम खुशल मंगल जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, इंश्योरेंस वाले क्लेम कर लेंगे, तो गाड़ियां वगैरह रिपेयर हो जाएंगी। तो मेन बात थी किसी को चोट नहीं पहुंची, ये बेस्ट बात है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाइट वाली गाड़ी आ रही है, उसने खड़ी की अपनी गाड़ी और पीछे से वॉल्वो ने फटाक ठोका और व्हाइट वाली गाड़ी रोल होके ब्लैक वाली गाड़ी के अंदर घुस गई। और ये जो क्लिप अभी आपने कंप्यूटर के ऊपर देखी, यही क्लिप हमने पुलिस वालों को भी दे दी, तो उनकी बहुत थोड़ी बहुत हेल्प हो चुकी केस के अंदर। तो देख रहे हो एकदम दया। अगर आपको कुछ ढूंढना तो मेरे को फोन कीजिए। तो यार गाइस बाल बाल बचे, जैसा मैंने बताया ना कि अगर मैं 2 मिनट पहले आया होता वहां पर, 2 मिनट ही मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लाइक 30 सेकंड्स पहले आया होता, तो आज मेरी गाड़ी भी वहां एक्सीडेंट के अंदर फंस चुकी होती। तो यार बच गए ब्रो। और गाइस कुछ दिन पहले मैंने अपनी नई गाड़ी के लिए एक ईयरिंग मंगा कर रखी थी और वो फाइनली आ चुकी है। आपको पता है डिलीवरी कितनी स्लो हो रही है यहाँ पर। इसको खोलो, देख रहे हो व्हाइट गोल्ड, घुमाओ 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 एंड एक बारी फिर से घुमाओ सारा। अरे इसके अंदर छोटा सा हुक भी लगा हुआ है। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो नाटकों में जब बहू को घर की चाबी मिलती है, बहू घर की चाबी। बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली भूख लगी है। ओ मैंने सब कुछ देख लिया। लॉगी ये ले, मैगी के अंदर डाल दूध। आज बच्चे को पिला दो मैगी वाला मिल्कशेक। गाइस क्या बोलते हो, लॉगी को मैगी वाला मिल्कशेक पिलाएं कि नहीं पिलाएं? कम ऑन लॉगी, लेट्स गो। नहीं पिएंगे। यहाँ से ये खोलो और बड़े वाला कटोरा मेरे को चाहिए। अगर मैगी नहीं देगा तो मैं तेरा केस रिवील कर दूंगा। अच्छा देता हूँ। चलना डालना, क्या कर रहा है भाई? बनने तो दो उसको। पूरी स्पीड पे कर, चारों गैस से चला दे। देख मैंने कटोरी का साइज भी छोटा कर दिया, ठीक है अभी पूरी भर दी। हाँ, ये लो आपके लिए स्पेशल। क्या ये पियो भाई, एंजॉय। भाई दे रहा यार, ये देखो इतनी सी दे रहा है और फिर से इसने गैस चला दी, मतलब कि पक्की भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कच्ची मैगी खाएंगे। ओके कच्ची मैगी मत खाना। और लीजिए गाइस कपड़े चेंज। बाय द वे नया दिन नहीं आया, वही दिन चल रहा है, तो शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं यार। आज के सारे काम फंडे एकदम से खत्म हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह कटिंग एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ हो चुका है, और अभी सिर्फ खाना और चाय पीना है। तो गाइस वो रहा हमारा स्टूडियो और ये रही हमारी जो है दूसरी मेन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी मक्खियां देख रहे हो, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, पर पीछे नहीं छोड़ रहे लोगों ने। और मक्खियों से याद आया भाई ब्लॉगी, हमने यहाँ पर अभी तक घर का टूर किया ही नहीं। हो ये लॉगी में बात से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सीडेंट वालों की अपडेट लेते हैं। तो यार एकदम से पूरा रोड क्लियर हो चुका है, लेट्स गो। सारे अपने घरों के अंदर घुस चुके हैं और ये लगा अपना घर एकदम बाहर से। तो ये दो पौधे भी जो है नियरली सड़ने वाले हैं, तो उनकी हेलीकॉप्टर में रुक करनी पड़ेगी और अभी तक अपना डोर नहीं आया। और ये रहे हमारे दो बिन, एक इधर और ये रहा हमारे गार्डन का व्यू। तो बाहर वाला गार्डन है और हमें घर भी पेंट करवाना है यार, तो अभी तक काम खत्म ही नहीं हुआ। और ये रहा अपना खतरनाक वाला डोर। तो सबसे पहले नॉक नॉक करेंगे क्योंकि घंटी लगाई नहीं अभी तक। तो वेलकम, अपने घर में क्या वेलकम कर रहा मेरे को। तो यार एंट्री करते ही ये रहा गाइस हमारा जूते वगैरह उतारने की जगह, तो यहाँ पर हम चप्पलें वगैरह उतार लेते हैं। तो यार इन अलमारियों के अंदर चप्पलें ही पड़ी हुई हैं और ये वायरलेस स्कूटर जो है पूरा कनेक्शन दुनिया का यही जाता है। उसके बाद ये सीढ़ियां ऊपर जाती है, सबसे पहले ऊपर घूम के आते हैं। आ जा, क्या कर रहे हो? अभी देखो एक ही बार में ऊपर देखो। और ये रहा हमारी ऊपर की जगह, तो यहाँ पर ऊपर है 1, 2, 3, 4 कमरे और एक ऊपर भी लाइक स्टूडियो टाइप बनाने की सोची थी,
तो वो हुआ नहीं तो हमने उसको डिच कर दिया। और इस तरफ आए तो ये लाइट ऑटोमेटिक है, ठीक है ना? लाइट का दिखा रहा, बंदे दिखा। और ये रहा एक छोटा सा बॉक्स रूम। तो ये आप ही ऑब्वियसली पता है कि कुछ दिन पहले हमारी छोटी सी शादी हुई थी, तो ये सारा सामान उसी का। तो आई थिंक वो कुछ दिनों के अंदर आने वाले हैं वापस और ये सारा सामान उसको दे देंगे, तो ये कमरा भी एकदम से खाली हो जाएगा। इसमें हम बनाएंगे बॉक्सिंग रूम और उसके बाद अंदर वाली बात देख रहे हो, टॉयलेट टॉयलेट और साथ में शावर। और मेरे कुछ बंदे बोलते हैं कि मैं रोटी खा रहा था, मैंने टॉयलेट देख ली। ये देख, और अंदर आने से पहले इस कमरे में थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है भाई। वो बेंट हो रहा है क्या कर रहे हो? ये रहा गाइस हमारा सेकंड वाला कमरा। अच्छा अच्छा देख रहे हो, एकदम मस्त। तो फिलहाल वहाँ पर अलमारी मंगाई है वो भी आने वाली है, पता नहीं कब आएगी। यहाँ पर अलमारी मंगाई है वो भी आने वाली है, पता नहीं कब आएगी। यहाँ पर टीवी जाना है, पता नहीं कब आएगा। और ये थोड़ी बहुत सफाई की है इन लोगों ने, तो उसके ऊपर चादर वगैरह भी डालनी है, पर्दे वगैरह भी सेट कर लिया। तो ये देखो पर्दे सूख रहे हैं यहाँ पर, नाइस। और यहाँ से हमको दिखता है अपना ग्रैनी वाला व्यू, वो देख ले। लेट्स गो, हरा अपना स्टूडियो, लेट्स गो। अभी वहाँ पर भी जाएंगे। ही रुक, ये टिकटॉक वाली बोतल है भाई, ये कितनी फेमस हो चुकी है टिकटॉक। ऑब्वियसली इन्होंने भी ले ली, नाइस। जो चीज टिकटॉक के ऊपर दिखती है उसको बाय नहीं करना होता। उसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला कैमरा। और ये अभी वही छोटी नीस के पार्सल अभी तक यहाँ पड़े हुए, तो ये सारी उसी की है, ओवर टच भी उसी की है। और ये रहा हमारा सेकंड कमरा, यहाँ से हम बक्कू की पर पूरी नजर रखते हैं। सामने बारी खिड़की में से उसकी दुकान है। और ये रहा हमारा तीसरा कमरा, तो इसकी मैट्रेस मंगा ली है, पता नहीं कब आएगी। ऑब्वियसली ये बेड जो है कस्टमाइज बेड है, तो ये नॉर्मल बेड से थोड़ा छोटा है। और इसकी मैट्रेस ढूंढना, पता सोने की खान मिल जाएगी, लेकिन इस बेड की मैट्रेस कभी नहीं मिलेगी। और अभी फिर से नीचे आ चुके हैं, और अगर इस तरफ चले तो ये रहा अपना मेन लिविंग रूम। तो ये वही पुराने वाले सोफे हैं जो उस घर से लेके आए थे, ये कॉम्फर्टेबल नया है। और ये रही अपने बैठने की जगह, यहाँ पर आते हैं वैसे बैठा, देखो ड्रिफ्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ से हम बाहर गार्डन में जा सकते, नहीं जा सकते, ठीक है, लॉक करके रखा हुआ है। और उसके बाद क्या जाती है अपनी किचन। तो ये ऑब्वियसली मैंने बोला था ना कि रोटी खाने का टाइम हो चुका, तो ये फ्रेश फ्रेश चपातियां बनी हुई अपने लिए। तो ये रहा अपना फ्रिज, उसे के अंदर अंदर ये स्टोर रूम दिखाया नहीं, तो ये अपना स्टोर रूम भाई, एकदम पूरा मैस है यहाँ पर। और उसके बाद ये किचन आपने देख लिया, और जो जो बंदे बोलते हैं रोटी खा रहा था टॉयलेट देख ली। रसोई से ही गाइस अपना दरवाजा गया इस तरफ, ऑब्वियसली हमारा एंटर चेस्ट। तो यहाँ पे हम सामान डालते हैं, हर्जा तो यहाँ पे हम सामान डालते हैं, और यही सामान हम जो है इस चेस्ट से निकाल सकते हैं। तो एकदम प्रॉपर एंटर चेस्ट है हमारा। और ये अपना गार्डन देख रहे हो ना, ऑब्वियसली मैंने बहुत कंटेंट निकाला है गार्डन में से, तो गार्डन आप लोगों ने देखा हुआ है। और ये इतनी पतली गली, यहाँ पर जो रमेश हमें गार्डन का नहीं चाहिए होता यहाँ पर बना हुआ है। और सामने क्या कर रहे हो, बिल्ली बैठी है, और सामने इतनी बाइकें। ओके ठीक, इस तरफ है अपना स्टूडियो, आजा यहाँ पर भी देखिए। तो ये जो जो बंदे बोलते हैं कि मैं रोटी खा रहा था टॉयलेट देख ली, चला। और अंदर घुसते ही गाइस अपने टूल बॉक्स, जो कि ऑब्वियसली इनसे मैंने बहुत कंटेंट निकाला, तो ये अपने टूल बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। आया लगी, और इस हीटिंग कंप्यूटर, तो ये गेमिंग पीसी हीटिंग चाहिए, ये जब चलाओगे तो इतना गर्म हो जाएगा पूरे कमरे के अंदर गर्मी फैला देगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आते हैं हमारे प्लांट्स, 1 2 3 4, इनको पानी देना तुमने? हाँ हाँ मैंने दिया था, आई थिंक वे 2 साल पहले। ऑब्वियसली हम इसको एक दिन बाद 2 दिन बाद पानी देते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे इनके ऊपर सनलाइट भी लेके आनी, ताकि एकदम से फ्रेश निकले। और गाइस आपको बता, ये संतरा है ये वाला, दिखा इधर, ये संतरा ये वाला, और ये भी संतरा है। इसके ऊपर ना आपको याद होगा मैं बहुत टाइम पहले मार्केट में घर के अंदर गया था, और यहाँ पर छोटे छोटे लिटरली इतने इतने संतरे थे, तो ये वो चीज है, पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे मेरे को नहीं पता। और ये उठा लेता हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज पड़ी हो सकती है। ये रहा अपना बैम्बू वाला प्लांट, कैसे खिल रहा है। और ये रही गाइस हमारी किचन, जो कि हमने कभी यूज ही नहीं की। ये रहा लॉगिंग पीसी, हमारा एडिटिंग का लैपटॉप, और क्या खेल रहा है ये भाई? मैं यहाँ पर फीफा खेल रहा था। अभी मैं तेरे को अपनी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, दिखाओ दिखाओ बन कंट्रोलर के साथ दिखाओ। अच्छा बच गया, ये तो शुक्र है कंट्रोलर बनने की, तो गया था। और इन अलमारियों के ऊपर सारा गाइस उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरे को लगा था कि अपनी चीजें रखूंगा, तो यार सारा कब्जा हो चुका है, सब रबिश यहीं पड़ा हुआ है। जो चीज वहां पर नहीं चाहिए होती वो यहाँ पर रख देते हैं। और उसके बाद गाइस ये रहा अपना सा, अच्छा प्लस रोशनी आने दे भाई, क्या कर रहा तू?
ये रहा गाइस अपना सेटअप जहाँ पर मैं आप बहुत सारा टाइम बिताता हूँ। तो ये रहा मेरा पीसी, मेरी लाइट्स, मेरे दो दो माइक, क्योंकि मैं इतना चिल्लाता हूँ एक माइक के बस की बात ही नहीं है। तो ये उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो दो माइक चाहिए होते हैं। ये रही अपनी स्क्रीन, अपना कैमरा, अपनी लाइट्स, अपना पावर बैंक, और इस अलमारी के अंदर मेरे सारे कपड़े यहीं पड़े होते हैं। तो जो भी कपड़े वीडियो के अंदर देखते हो सारे यहीं भी पड़े हैं, और जगह ही नहीं है। अगर मैं खोलूंगा तो सारे बाहर आ जाएंगे, ऊपर पड़े, जगह है ही अलमारी के अंदर। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इसके कमरे के अंदर मेरे को दो दो अलमारियां चाहिए, अब दूसरी अलमारी रखने के लिए जगह ही नहीं है, मैं कहां पर रखूं, आई डोंट नो। तो यार गाइस दैट्स इट। और यहां से इतनी बड़ी खिड़की लगी है ना, गर्मियों के अंदर खिड़की खोल के एकदम फुल ऑन एंजॉय करता हूं, लेकिन आजकल वो एंजॉय भी बंद हो चुका है। क्यों? दरवाजा खोलोगे तो पक्षी आ जाएगी, देख रहे हो घूम रही है, दरवाजा खोला नहीं घुसाते अंदर। कुछ चीजें हैं जो घर के अंदर अभी तक बनी भी नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें पेंट करवाना है और वो दरवाजा लगाना है, और आई थिंक बाहर से ही पेंट करवाना है। तो बहुत सारी चीजें जो है टाइम ले रही हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत जो है कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं कर रहे। अब घर बन चुका है, हम खुशी खुशहाल रह रहे हैं, तो इट्स ओके यार, पेंट नहीं हो तो क्या उखाड़ लेंगे पेंट करके भी। तो चलिए कहते छोटे से टूर में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, चलते हैं, टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।